क्या आपको धुंधला दिखाई देता है? क्या आपकी उम्र 40 साल है? अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको पास की चीजें अगर धुंधली दिखाई देती है, कहीं आपको प्रेस बायोपिया तो नहीं? जी हाँ, प्रेस बायोपिया। नमस्कार, मेरा नाम श्याम बाबू है। मैं आपका दोस्त, क्लिनिकल कंसल्टेंट, डॉक्टर श्याम बाबू, ये शोभा देवी बोल रहा हूं। जैसा कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो ज्यादातर 40 साल की एज वालों के लिए बहुत ही कॉमन सी एज रिलेटेड फैक्टर है, जिसे कि स्ट्रेस बायोपिया। स्ट्रेस बायोपिया कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये एरर ऑफ रिफ्लेक्शन। आंख की नजर का विजन धीरे धीरे कम होने लगता है और 40 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र से पहले या बाद में तो चश्मा लगता है, इसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। कि एज में जो आयरस होता है वो सही से अकोमोडेट नहीं कर पाता है, जिससे कि आयरस का अकोमोडेशन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और हमें 40 साल से पहले या 40 साल के बाद चश्मा लगाना पड़ता ही है और ये बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक ये है कि प्रेस बायोपिया होता क्यों? प्रेस बायोपिया होता इसलिए है जब हमारे आँख की जो सिलियरी बॉडी होती है उसमें सिलियरी मसल्स होते हैं वो सही से अकोमोडेट नहीं कर पाते और उस वजह से हमारे जो पास की चीज होती है वो धुंधली दिखाई देने लगती है। उसको हम बताते हैं कि उसमें सिलियरी बॉडी में जो सिलियरी मसल्स होती है वो वीक होने लगती है, जिसके कारण आयरस प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट नहीं कर पाता है और हमें पास की दिक्कत शुरू हो जाती है, उसे हम प्रेस बायोपिया बोलते हैं। लेंस के प्रॉपर अकोमोडेट ना होने के कारण जो लेंस होता है वो हार्ड हो जाता है और वह अपना शेप फ्रिक्वेंटली यानी कि जल्दी से चेंज नहीं कर पाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 40 साल की एज में ये प्रेस बायोपिया होता है। अब जब हम लोग यंग एज में होते हैं तो हमारा लेंस वो काफ़ी सॉफ्ट और लचीला होता है, जिससे कि वो अपना जो एकोमोडेशन है वो बड़ी जल्दी से कर लेता है। हमारा लेंस सॉफ्ट होता है और अपना वर्क बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेता है, इसलिए हमें दूर और पास की चीज सही दिखाई देती है। यंग एज में इंसान की आँख में जो लेंस होता है वो काफ़ी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, जो कि अपना एकोमोडेट करने के कारण लेंस काफ़ी अच्छे से फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेता है, जिससे कि हमें दूर और पास की चीज़ें अच्छी दिखाई देती है। जब हमारा इंसान 40 साल का हो जाता है उसके बाद हमारा जो लेंस होता है वो हार्ड हो जाता है और अकोमोडेट कम कर पाता है, इसलिए हमें पास की चीज़ कम दिखाई देती है। अगर लोग जो सिलाई बुनाई कढ़ाई या पास की चीज़ का काम करते हैं तो उनमें जो सिलियरी मसल्स होती है उसमें अकोमोडेट होती है, वो 40 साल से पहले ही कमज़ोर हो जाती है, जिनके आपने सुना होगा 35 साल की एज में ही चश्मा लग जाता है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि जो सिलियरी बॉडी में जो सिलियरी मसल्स होती है वीक हो जाती है, जिस कारण हमें प्रेस बायोपिया होता है। जिनकी डाइट अच्छी रहती है या जो हेल्दी रहते हैं तो उनका जो चश्मा होता है वो 41 या 43 साल की होती है। प्रेस बायोपिया का ट्रीटमेंट हम नियर विजन का करेक्शन करके रिफ्लेक्शन करते हैं, जिस पावर की ज़रूरत हो उस पावर का चश्मा बनाकर हम पेशेंट को देते हैं और जिससे कि वह अपना काम आसानी से कर सकता है और उसे पास की चीज़ बिल्कुल साफ दिखाई देती है। कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि उम्मीद करता हूँ आपको प्रेस बायोपिया के बारे में बिल्कुल सरल भाषा में समझ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट में दें और बताएं कि आपको हमारी प्रेस बायोपिया टॉपिक पर वीडियो बनी है वो आपको कैसी लगी। नमस्कार।